हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो कंप्लीट वीडियो होगा, ये एक पूरा 1 BHK का अपार्टमेंट है। इसमें सब रेनोवेशन वर्क करना है बेसिकली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा सिविल वर्क है, कुछ इलेक्ट्रिकल्स का कुछ पॉइंट शिफ्टिंग हो गए, ऐसे सब काम है। सो वन बाय वन करके यहाँ पे जो भी प्रोसेस होंगे वो हम लोग देख लेंगे, क्या क्या रेनोवेशन वर्क करना है, और ये पूरा साइड इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो अभी आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, यहाँ से एंट्रेंस है। सो एंट्रेंस है बेसिकली, यहाँ पे सिविल वर्क एज सच वॉल पे कुछ नहीं है, बट आप सीलिंग पे अगर देखते हो तो सीलिंग पे बहुत सारे क्रैक्स हम लोग को दिखाई देंगे। सो यहाँ पे हम लोग को फिर से सब तोड़ के नया प्लास्टर करके यहाँ पे रिपेयर करना है। जैसे कि आप विंडो पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर पूरा बीम में क्रैक है, यहाँ पे ये सब लीकेज के क्रैक्स है। सो ये फिर से कैसे निकालेंगे और उसको कैसे फिलअप करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में देखेंगे। अब ये जो बिल्डिंग है वो 20 से 25 साल पुरानी है, इसलिए वहाँ पे जो फ्लोरिंग वगैरह है वो सब पुरानी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये सब फ्लोरिंग है ना, पूरा एयर गैप की वजह से ये सब मतलब ऊपर उठी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये फ्लोरिंग है। तो ये हमें जितनी भी सिलेक्टिव फ्लोरिंग जहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्रैक है या फिर बहुत फ्लोरिंग ऊपर आई है, तो हमें वो चेंज करनी है। अब जैसे ही लिविंग रूम ख़त्म होता है तो हम लोग पैसेज एरिया में आते हैं। पैसेज एरिया में आप देख सकते हो ऊपर ये जो पूरे क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, स्लैब में क्रैक्स है। सो ये सब अभी फील करना है, ये सब इसको सबको फिलअप करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा क्रैक्स है। जैसे ही आप पैसेज से अंदर आते हो तो ये बेडरूम है। सो ये एक छोटा सा बेडरूम है, बट यहाँ पे जो सीलिंग का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ऊपर सीलिंग में देख सकते हो बहुत सारे क्रैक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे वॉल के ऊपर पूरा प्लास्टर उसका निकला है, तो फिर इसको भी पूरा प्लास्टर नए से करना है। सो यहाँ पे आप इतना सारा मतलब ये प्लास्टर निकला हुआ देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत पुराना बिल्डिंग है तो यहाँ पे लीकेज का बहुत इशू है। जैसे कि आप विंडो वॉल पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइलिंग किया है बिकॉज ऑफ लीकेज, बट उसके कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी बहुत लीकेज होना स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्लास्टर निकला है। सो बेसिकली यही हमें सब जो प्लास्टर निकला है जहाँ पे लीकेज का इशू है, ये सब हमें फिक्स करना है। अभी ये जो कॉलम के एग्जैक्टली पैरेलल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा लॉफ्ट है। तो यहाँ पे आप एसी के ऊपर देख सकते हो ये पूरा लॉफ्ट जो है वो प्लाई से बना है, तो वो प्लाई भी पूरा निकला हुआ है। सो ये अभी हम लोग को चेंज करना है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो वार्डरोब के ऊपर जो बीम है वहाँ पर भी कुछ क्रैक्स है। तो आपने देखा इसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टर लीकेज, इसके ही सब इश्यूज़ है। सो हम लोग को वही अभी पूरा रेनोवेशन में पूरा कवर करने हैं और उसको रिपेयर करना है। अब हम लोग देखते हैं वॉशरूम और किचन। सो वॉशरूम में भी आप देख सकते हो पूरा स्लैब है ऊपर का, वो मतलब उसका प्लास्टर निकला हुआ है, सब अंदर का सिविल वर्क दिख रहा है। तो बेसिकली यही सब फिक्स करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये किचन है। तो किचन में बेसिकली यही जो कॉलम के दोनों भी साइड आप देख सकते हो बड़े से क्रैक है, मतलब पूरा सीलिंग से लेके फ्लोर तक पूरे क्रैक्स हम लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं क्रैक्स को अभी प्लास्टर करके सब निकाल के फिर उसको रीफिल करके ठीक करना है। सो आपने ये कंप्लीट जो भी टूर देखा, तो इसमें बेसिकली आपने देखा बहुत रेनोवेशन का जो सिविल का काम है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइंट का बजट है वो भी बहुत कॉम्पैक्ट है, उसमें ये सब रेनोवेशन करना है। और वैसे ही दूसरा है टाइम। सो टाइम भी अभी जैसे आपने देखा कोविड का टाइम है, तो इतना टाइम बाहर रहना, तो इसीलिए फिर वो टाइम से मतलब टाइम बहुत कम है ये सब करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कोई फर्नीचर का एज सच काम नहीं है, कुछ सब जो है वो पूरा सिविल है, फिर फ्लोरिंग चेंज हो सकता है, और जो प्लास्टर्स है वो चेंज करना है, और पेंट से पूरा घर फिनिश करना है। सो आपने देखा ये मतलब कोई भी स्टार्ट टू एंड का इंटीरियर होता है ना, तो वो करने में थोड़ा इजी होता है, मतलब आपको पूरा रॉ फ्लैट मिलता है,
सब आपको एकदम नए से स्टार्ट करना होता है। बट ये जो रेनोवेशन के प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं तो उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सिविल अभी बिल्डिंग अभी 25 ईयर्स अगर पुरानी है तो यहाँ पे सिविल करते वक्त कितना ध्यान देना पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो उसमें देखेंगे, ये कैसा सिविल का सब काम होता है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।